हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए पुरकाजी के व्यापारी सरदार सुखपाल सिंह बेदी द्वारा मुस्लिम समाज को 100 गज जमीन मस्जिद बनाने के दान किए हैं। आइए उन्हीं से रूबरू होते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से उन्हें यह प्रेरणा मिली। सुखपाल सिंह जी बताइए कि कहां से आपको ये प्रेरणा मिली। यह प्रेरणा हमारे गुरु नानक देव जी के उपदेशों से मिली है। उनका उपदेश है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भरे वो मंदे। उनकी निगाह में ना हिंदू ना मुसलमान कोई फ़र्क नहीं है, सब इंसान हैं। और हमें भी ये प्रेरणा मिली है कि हमको आपस में सबको मिलके रहना चाहिए, कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं भाईचारे के नाते ये ज़मीन मुस्लिम समाज को दी है ताकि यहाँ मुस्लिम भाईचारा बना रहे। आपका इस जो निर्णय है इस पर किसी समाज या परिवार के व्यक्ति ने कोई विरोध किया हो? नहीं, मेरे से कोई विरोध नहीं किया, सबके बल्कि मुझे तो बधाई मिल रही है। कहाँ कहाँ से आपको लोग बधाई दे रहे हैं? लोग बहुत जगह से आई है, मेरे समझो अखबार वालों ने भी दी है मुझे, बहुत आई है और बहुत दोस्तों ने भी दी है, बहुत समाज के लोगों ने दी है बधाई। बात मतलब कहा गया मुझको। भविष्य में क्या योजना है आपकी जो है भाईचारे को और प्रगाढ़ करने के लिए? जो मेरे से बन पड़ेगा भाईचारा जो है, मैं चाहता हूँ कि भाईचारे को बनाने की जरूरत ही ना पड़े, लोग खुद ही अपने भाईचारे के लिए प्रेरित हों। और इससे पहले भी मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, हमने आज तक यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई फिसाद नहीं हुआ, ना कोई झगड़ा हुआ। अगर कोई द्वेष भावना होती भी देखते हैं तो हम लोग सब सिर मिलाकर चलते हैं, ना कि सिर से बिड़ाने की बात करते हैं। आपने जहीर फारूक पर ही क्यों एतबार किया कि मस्जिद आप बनाएंगे? तो जहीर फारूकी एक जिम्मेदार और समाज सेवी आदमी हैं, मैं एज ए चेयरमैन उन्हें नहीं दी है, वो तो एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उन्होंने के नाते। मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो अपने समाज से जल्दी इसे कार्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इससे पहले भी आपने हिंदू मुस्लिम या भाईचारा बढ़ाने के लिए कोई कार्य किया है? देखो ये तो समय समय पे कोई भी अगर बात होती है, अगर हमारे आपस में भी अगर कोई लड़ते हैं या कोई भेदभाव होता है तो हम उन्हें मिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हमने आज तक यहाँ कभी भी भेदभाव की भावना नहीं रखी हुई। मुजफ्फरनगर जनपद के ऐतिहासिक कस्बा पुरकाजी में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बन चुके चेयरमैन जेल फारूकी को पंजाबी समाज के एक परिवार ने 100 गज जमीन मस्जिद बनाने के लिए दान में दी है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या कारण रहे हैं, किस चीज़ से प्रभावित होकर पंजाबी समाज के व्यक्ति ने इस तरह का कदम उठाया है। चेयरमैन साहब बताएं कि क्या पंजाबी समाज के व्यक्ति को किसी ने प्रेरित किया था? जो श्री सुखपाल सिंह बेदी जी हैं जिन्होंने ये ज़मीन मस्जिद के लिए 100 गज दान दी है, उन्होंने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर्व पर ये 100 गज ज़मीन सामाजिक लोगों की मौजूदगी में, अपने धर्म के लोगों की मौजूदगी में दान की है। और वो खुद इतने बेहतरीन इंसान हैं, उनका कहना था कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर्व पर सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनका जो मैसेज था कि हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, दुनिया को बनाने वाला सिर्फ एक है, तो यही मैसेज वो देना चाहते थे। उन्होंने इसी मैसेज को देने के लिए समाज में हमारे बुज़ुर्ग हैं चेचा सुखपाल सिंह बेदी जी हैं, उन्होंने जो कदम उठाया है वो उनका अपना निर्णय है, बहुत अच्छा कदम उठाया है उन्होंने। आप पर ही उन्होंने इस तरह का विश्वास क्यों जताया कि मस्जिद आप ही बनाएंगे? असल में जो मालदार लोग हैं जिन पे ज़मीनें भी हैं, जायदाद भी हैं, करोड़पति लोग हैं, वो चाहकर भी अच्छा काम नहीं कर पाते जब तक ऊपर वाला ना चाहे। तो अल्लाह ने, भगवान ने सुखपाल सिंह बेदी जी को ये विचार उनके दिमाग में दिया कि चेयरमैन जहीर फारूकी को आप सौंप दें। तो मुझे लगता है मेरे पुरकाजी के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख सभी समाज के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं इसके लिए पूरी तरह से उन सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। समय समय पर आप सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, शहीदों के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं, मस्जिद कब तक बन पाएगी इस पे आपका क्या कहना है? मस्जिद तो निश्चित रूप से बेदी जी ने अब ज़मीन दे दी है, थोड़ा उसकी कागज़ों की लिखा पढ़ी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो भी लगेगा। और
अगले साल जब बेदी जी वहाँ पर इस काम के लिए दोबारा प्रकाशोत्सव पर्व मनाएंगे, मैं उम्मीद करूँगा कि दोबारा फिर प्रकाशोत्सव पर्व पुरकाजी के अंदर मनाया जाए, तो निश्चित रूप से उस समय तक मस्जिद का काफ़ी काम हो चुका होगा। और रही बात पुरकाजी के अंदर आपसी प्यार मोहब्बत सौहार्द की, तो पुरकाजी निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान में एक बेमिसाल कस्बा है। आप देख सकते हैं कि पुरकाजी के अंदर रामलीला के मन से मुज़हिर फारूकी चेयरमैन पुरकाजी, जो कि एक मुसलमान है, उसे रामलीला के मन से कुरान भेंट की जाती है, अल्लाह और मोहम्मद के नाम की तस्वीर भेंट की जाती है। मैं चेयरमैन पुरकाजी मुसलमान हूँ, 40 साल पुराना वाल्मीकि मंदिर का जो विवाद था, रास्ते को लेकर विवाद था, मुस्लिम पक्ष दूसरा पक्ष था, 40 साल से पेंडिंग था, लेकिन मुझ पर उन लोगों ने विश्वास किया और मैं वो फैसला ऐसा हुआ कि बाग मालिक को रास्ता मिल गया और मंदिर भी आज वहाँ बन के तैयार हो चुका, उसकी बाउंड्री हो गई, मंदिर के और काम भी हो चुके हैं। तो ये तो सब अच्छी सोच के लोग कर सकते हैं। मेरा मानना है समाज के अंदर आज ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। ये धर्म का मामला हमारा व्यक्तिगत है, हम अपने घर के अंदर किस तरह धर्म को मानते हैं। समाज के अंदर अगर हमें रहना है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान बन के रहना होगा। बेहतरीन इंसानियत की शख्सियत बन चुके ज़हीर फारूकी आज किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। कैमरामैन तनवीर के साथ फल कुमार पंवार, पंजाब केसरी, मुजफ्फरनगर।